हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शारदा मंडलकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट एक्सरसाइज 5C. ओके, सो लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ₹49,137. मोटरसाइकिल की कॉस्ट प्राइस क्या है? इतनी है. ओके, एंड दैट ऑफ अ कार इज, एन कार की कॉस्ट प्राइस क्या है? 2,15,000. हाउ मच मोर डज द कार कॉस्ट? कितनी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कार की देन द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से. ओके, सो कार की जो प्राइस है उससे हम मोटरसाइकिल के प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बुक से नोट करेंगे. हम पढ़ रहे हैं ब्लैकबेरी पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक से. ओके, सो देन आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन. द कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ₹49,137. ओके, एंड कार की कॉस्ट प्राइस क्या है? या डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, 2,15,000. सो 2,15,000 से हम माइनस करेंगे इसे 13794. सो यहाँ से हम यहाँ बोरिंग लेंगे एक, सो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ तो 4 आ जाएगा, देन यहाँ 9, यहाँ से फिर यहाँ पर एक जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पर एक, सो यहाँ पर होएगा 10 एंड हेयर 9 9. ओके, सो 10 10 में से 7 माइनस होंगे, सो क्या होगा? 3. 9 में से 3 माइनस होंगे, 9 8 7 6. 9 माइनस 1 8. सो यहाँ से एक बोरिंग लेंगे, 14 होगा, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ से एक बोरिंग लेंगे, यहाँ 10 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1. सो 14 माइनस 9 10, 5 बचेगा. 10 माइनस 4 6, देन 1 की 1. सो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर. सो इतनी प्राइस क्या है? ज़्यादा है मोटरसाइकिल से कार की प्राइस. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे रुपीज 10 स्टूडेंट्स. आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए. अलन अलान हैज 8 लाख रुपीज विथ हिम. उसके पास है 8 लाख रुपीज. ओके, ही बायस अ प्लॉट फॉर ₹7,62,000. इतने इतने रुपीज में वो प्लॉट को जो है, सो ही बायस अ प्लॉट फॉर, इतने रुपीज में वो प्लॉट को लेता है. ओके, खरीदता है. हाउ मच मनी हैज ही नाउ? अब उसके पास तो टोटल 8 लाख रुपीज थे, इतने में उसने प्लॉट ले लिया 7,62,000 में. सो उसके पास अब कितने मनी बची ये हमको फाइंड करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप बुक से नोट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ. ओके, सो लुक एट हियर. सो 8 लाख हमें तो थ्योरी में गिवन है, अब हम उसे नोट करेंगे डिजिट्स में. वन हैज वन टेन हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लेफ्ट. 8 लाख रुपीस विथ हिम. ओके, सो
उसने अब प्लॉट लिया, सो प्लॉट कितने का लिया? ही बाइज अ प्लॉट फॉर रुपीज 7,62,000। ओके, सो एट लाख में हम माइनस कर देंगे। यहाँ 9,99 बचेगा, यहाँ सॉरी यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ होगा 7। 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0, 0 10 माइनस 2 10, 9, 8। 9 माइनस 6 7, 8, 9, 3 6, 7, 8, 9 7 माइनस 7 0। सो ₹38,000, 38,000 रुपीज उसके पास बचेंगे। Now, okay? ₹38,000 इसके पास। स्टूडेंट्स 8 लाख रुपीज थे टोटल, उसने 7,62,000 की उसने प्लॉट ले लिया, सो उसके पास अब कितने मनी बचेंगे? 38,000। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आप बुक से नोट करेंगे। इसी प्रकार आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक। सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 5.3 के आपको क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 नंबर तक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बताया, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ओके, जो पेज नंबर 45 में गिवन है इन योर मैथमेटिक्स बुक। ओके, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो आप किसी भी टाइम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।